Hey, good morning, क्या बोलती पब्लिक, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत अच्छा दिन तो शुरू नहीं हुआ क्योंकि हम लोग कल रात को 3 बजे सोए थे और आज 10:30 बजे उठ गए, तो ऐसा लग रहा है नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई और थोड़ा ऐसे, पर कोई बात नहीं, चाय कॉफ़ी पी के कैसे भी कुछ खा पी के वो फटीक को हटाएंगे हम लोग। सुबह सुबह पंखे साफ हो रहे हैं, मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने आज जल्दी सुबह सुबह नहा लिया है, तो अभी एक और पंखा बाकी है, वो हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। तो जाके देखते हैं राहुल वो पंखा साफ कर रहा है, चलो नीचे जाते हैं, उसके पास खड़े रहते हैं, गलती से गिर गया तो पकड़ लेंगे कैच उसको। सारे हो गए? सारे हो गए, गुड जॉब। ब्रेकफास्ट बाकी है तेरा? हाँ बाकी है। सारे पंखे साफ हो गए, अब हम जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। को नहीं लगता इतनी आसानी से मिल जाएगा क्योंकि मम्मी भी बिजी है, मम्मी काम कर रही है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। भूख लग रही है, मम्मी ने बोला कि 10-15 मिनट रुक जा, एक काम निपटा के ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। रुक जाते हैं, भूख तो वैसे बहुत लग रही है क्योंकि 11:30 बज गए, पर कोई बात नहीं, मम्मी को भी भूख लग रही होगी तो रुक जाते हैं। राहुल ऊपर क्या कर रहा है? राहुल मेरे को बोल रहा है कि भैया मैं आता हूँ ऊपर से 5 मिनट में, देखते हैं राजेश क्या कर रहा है। ओ वैसे आज राजेश की छुट्टी है, आज सैटरडे है, सेकंड और लास्ट सैटरडे को राजेश की छुट्टी होती है, शायद ऐसा ही कुछ होता है सिस्टम। गुड मॉर्निंग सोनी, तू कहाँ था? मैं सो रहा था रॉकी, कल रात को मैं लेट सोया था। क्या राजेश क्या कर रहा है? टीपी। गुड जॉब, आज वीडियो अपलोड नहीं हुआ। कितने बजे होगा? 2 बजे? 3 बजे? जल्दी कर, 2-3 बजे डाल देना। सोनी जल्दी से टेस्ट मैच लगा, मुझे स्कोर देखना है। ओके रॉकी लगाता हूँ। हेलो, ऊपर की क्लीनिंग बाकी है तो अभी हम हमारे फ्लोर की क्लीनिंग करने जा रहे हैं। झाड़ू पोछा ही करना है वैसे, और फर्नीचर साफ करना है। बेड तो ठीक हो गया था तो जाके जल्दी से करते हैं, काफी लेट हो गया है, 2 बज चुके हैं। अभी तक हम लोग ब्रेकफास्ट ही कर रहे थे और टेस्ट मैच देख रहे थे। रब भी खेल खेले, क्या खिलाड़ी। तो खिलाड़ी बता कि तू झाड़ू कर रहा है कि पोछा कर रहा है? मैं कर रहा हूँ पोछा। पहले तो भाई एक कपड़ा लेके आ, फर्नीचर साफ करने दे मेरे को, चल। अब क्या कर रहे हो बताओ? फर्नीचर और पोछा? नहीं मैं पोछा। पूछा नहीं तेरे को, बताया, चल निकल। चल Day 3। आज पता है क्या, ये जो हमने ये गेहूं डाला है ना सुखाने को, उसका भी Day 3 है। और अलग कौन सा Day 3 है पता है आपको? टेस्ट मैच का Day 3 है। आ तो यहाँ से धूल बहुत आती है यार, बाद में सफाई करने का कुछ मतलब ही नहीं बनता। हमारा काम खत्म हो चुका है, अब हम देखेंगे बिग बॉस का लेटेस्ट एपिसोड। हम लोग रात को कभी नहीं देखते तो फोन में ही देखते हैं सुबह जब भी टाइम मिलता है। अभी हमारा काम हो गया है तो हम लोग बिग बॉस देखेंगे, उसके बाद थोड़ी सी भूख लग रही है, कुछ खाएंगे, पहले बिग बॉस देख लेते हैं, पूरा एपिसोड देखेंगे हम। हाँ इसने मुझे याद दिलाया था कि भैया बिग बॉस नहीं देखना, कल का हमने देखा नहीं है। तो जस्ट हमने बड़ा मालिक का एपिसोड देखा और बहुत ही बकवास एपिसोड था, सच बताऊँ तो पूरा बोर हो गया, 1 घंटे पूरा बोर लगा मेरे को। ये जो गेहूँ है उन पर ये कबूतर और ये सारे कबूतर अटैक कर रहे हैं और सब खा जा रहे हैं बार बार, और पूरा यहाँ वहाँ बिखर रहे हैं वो लोग, तो यहाँ पे भी किसी का होना ज़रूरी है उनको भगाने के लिए, तो मैं भेजता हूँ किसी को नीचे से। सुन राहुल, काफ़ी दिनों से रॉकी को रन नहीं करवाया तो अभी रन करवाते हैं, ठीक है, वहाँ आगे तक मैं भागता हूँ, अब रॉकी को मेरे पीछे पीछे भगाएंगे, ठीक है। रॉकी 3-2-1 दैट रॉकी। मजा आया भाई, रुक जा। मैं तो रॉकी के पास कैमरा करके भाग रहा था और बीच बीच में देख भी रहा था कि दिख रहा है कि नहीं अंदर, फिर ऐसे ऊपर नीचे कर रहा था। भागते भागते शूट करने में ऐसा एक्सपीरियंस होता है, वो भी देखना ज़रूरी है। और क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा गंदी आती है क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था, मैंने जस्ट चेक किया वो क्लिप को, पर ऐसे ही देखने के लिए मैंने वो क्लिप शूट की थी।
अभी अभी हमने रॉकी का छोटा सा फोटो शूट किया, दो तीन अच्छी अच्छी फोटो खींची। साडा कुत्ता रॉकी, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हो। उस पे हम लोग रील और फोटोज डालते रहते हैं रॉकी की, जब भी टाइम मिलता है तब, और जब भी रॉकी अवेलेबल होता है तब, क्योंकि काफी टाइम वो शूटिंग के लिए अवेलेबल नहीं होता, काफी बिजी होता है रॉकी खाने पीने में और मस्ती करने में, और हाँ खासकर राहुल को काटने में। कुछ ऐसी जगहों पर राहुल को काटा है जो हम अभी स्क्रीन पे नहीं बता सकते। हाँ, फॉर रॉकी रिलेटेड अपडेट्स फॉलो साडा कुत्ता रॉकी। बाय। रॉकी जब ग्राउंड फ्लोर पे सोता है तो सोफा या पिलो या कुछ भी चीज मंदिर में से उठा के तोड़ फोड़ कर देता है और फिर उसको मार पड़ती है, इसलिए वो अब हमारे पास सोता है। और वैसे रात को भौंक के हमारी नींद हमारी में मैं ही आता हूँ सिर्फ, क्योंकि ये और ये इस तरीके से सोते हैं जैसे कि सिर्फ सुबह ही उठेंगे, ये उनको लात मार के जब उठाएंगे तब। और रॉकी जैसे ही पहली बार भौंकता है मेरी नींद ऐसे जागती है जैसे कि मेरे मुंह पे किसी ने तमाचा मारा हो। फिलहाल नींद काफी आ रही है क्योंकि 12 बजने में आ गए, बिग बॉस देख रहे थे हम लोग। आज सैटरडे है, मेरे लिए तो बेस्ट दिन सैटरडे होता है, और राजेश के लिए भी आजकल सैटरडे ही बेस्ट दिन होता होगा। क्या बोलता है राजेश, क्यों सैटरडे जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन अच्छा होता है, जिस दिन नहीं होती है उस दिन भी अच्छा होता है। मेरे को तो पहले से ही स्कूल टाइम से ही सैटरडे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, क्योंकि स्कूल टाइम तो सैटरडे वर्किंग डे भी जब होता था ना वो भी अच्छा लगता था, क्योंकि आधे दिन जाओ पता भी नहीं चलता था कब स्कूल खत्म हो गया, हाफ डे होता था, बड़ी मज़ा आती थी। और उसके बाद जब फुल डे में जाना पड़ता ना तब तो इतना जोर आता था ना, इतना देखो सच बताऊँ तो मंडे बहुत ज़्यादा, मंडे कैसा होता है मंडे, और उसमें भी अगर अपना पीटी पीरियड लास्ट है मतलब फ्राइडे फ्राइडे को है तो पहले चार दिन जाने को मन ही नहीं करता था। वो चार दिनों में ऐसी हालत हो जाती थी कि पांचवें दिन इंसान कुछ नहीं कर पाता था पीटी में, ऐसी वाली हालत हो जाती थी। तो आज का दिन भी खत्म होता है, अभी 12 बजने आ गए हैं, 12 बज गए हैं एग्जैक्टली। मैंने कुछ टाइम पहले एक एडिट शुरू किया, 10-15 मिनट हो रहे हैं इस एडिट को खत्म होने में, अभी 2-2.5-3 घंटे और लगेंगे, मतलब अराउंड 3-4 बजे मैं सोऊंगा इसको एक्सपोर्ट करके। एनीवेज आई होप यू गाइस एंजॉयड द व्लॉग, पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को ऐसे ही बहुत सारे व्लॉग्स देखने के लिए, और बेल दबा दो ताकि उन व्लॉग्स की नोटिफिकेशन हम आपके लॉक स्क्रीन तक लेके आ जाए। ठीक है, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, तो पीस आउट।